तीन हफ्ते में ब्रेस्ट हो जाएंगे कमाल के। जी हाँ, अगर आप सही तरीके से अपने ब्रेस्ट की मालिश करती हैं, और कम ही समय में ब्रेस्ट का आकार भी इससे बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए सही टेक्निक का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या आपको पता है कि ब्रेस्ट की सही मसाज कैसे करनी है? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ आपकी गुड लाइफ काउंसलर उज्ज्वला। फटाफट से कर लीजिए गुड लाइफ को सब्सक्राइब, क्योंकि आज आपको बताऊंगी परफेक्ट शेप देने वाली मसाज के दो तरीके। और हाँ, तीन हफ्ते में इसका असर भी आपको जरूर दिखाई देगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या और कैसे करना है। टेक्निक फर्स्ट फॉर ब्रेस्ट मसाज। ब्रेस्ट मसाज शुरू करने से पहले कोई नेचुरल ऑयल या फिर आप मसाज क्रीम जरूर खरीद लें। आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक तेल होते हैं, यानी कि नेचुरल जो ऑयल होता है, वो ब्रेस्ट मसाज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के फायदे से आपको मिलते हैं। ऑयल को हल्का वार्म करें, छूकर देखें कि ब्रेस्ट मसाज ऑयल जो है वो तेल कितना गर्म या फिर ठंडा है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को रब करके गर्म करें। आपके हाथ खुरदरे नहीं होने चाहिए। आपके हाथ खुरदरे हैं तो कोई पहले मॉइस्चर आप लगा सकती हैं। अब बिना तेल लगाए पहले ब्रेस्ट को ऊपर से नीचे की ओर 3 से 4 बार मसाज दें। अब आपको क्या करना है, अपने हाथ पर जो है ऑयल लें और उसके बाद अपनी ब्रेस्ट पर उसे लगा लें। उंगलियों की हेल्प से ब्रेस्ट पर चारों ओर से फैलाएं और इसके बाद गोलाकार आकृति यानी कि सर्कुलर मोशन में मसाज आपको करना है। इसके बाद आप एक एक ब्रेस्ट को अपने हाथ में लेकर अपने दाएं हाथ को क्लॉकवाइज और बाएं हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। मसाज करते हुए अपने ब्रेस्ट को कुछ सेकंड के लिए रगड़ें। इसके बाद ब्रेस्ट पर उंगलियों से हल्का सा दबाव आपको बनाना है, थोड़ा सा प्रेशराइज उसे करना है और मसाज करनी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपको दर्द होता है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा कम आपको रखना है। निप्पल को ज़्यादा नहीं छूना है, ये भी ज़रूर ध्यान रखें। और लगभग 5 मिनट तक इस मसाज को ऐसे ही करते रहे। ये आपको दिन में 2 बार जरूर करना है। पूरे दिन में करीब 2 से 3 बार अगर आप ब्रेस्ट की मसाज करती हैं तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा आपको मसाज नहीं करना है। टेक्निक नंबर 2, इसमें जो है आपको ऑयल का यूज नहीं करना है। आप विदाउट ऑयल से अपने नहाते वक्त भी कर सकते हैं। नहाने से पहले ब्रेस्ट को मालिश करने की सबसे इजी टिप है, सबसे आसान तरीका है। आप अपने ब्रेस्ट की मालिश करते हुए अपने हाथ में अगर दर्द का अनुभव करती हैं तो आप इस विधि से मसाज कर सकती हैं। तो आपको बस क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को रगड़ कर या फिर आप उसे गर्म कर सकते हैं किसी चीज पर सेक कर। बाएं हाथ को दाहिने ब्रेस्ट पर रखना है और दाएं हाथ को बाएं ब्रेस्ट पर रख के मसाज करनी है। मसाज करते समय यदि हाथ ज्यादा ठंडे हो तो फिर से गर्म कर लें, क्योंकि आपको कोल्ड हैंड से मसाज नहीं करना है। इससे आपको ब्लड सर्कुलेट करने में आसानी रहेगी। अगर आप इस तरह से मालिश करते हुए हाथों में दर्द महसूस कर रही हैं तो सिर्फ एक टाइम में एक ही ब्रेस्ट को मालिश करें, मसाज दें, फिर उसके बाद दूसरे ब्रेस्ट को मसाज करें। अब आप मेक श्योर कर लें कि हाथों को जो है आप ऊपर की तरफ फेरना नहीं है, बल्कि उंगलियों से इस तरह से दबाव डालना है कि आपके ब्रेस्ट की जो स्किन है वो नीचे के टिश्यूज को इफेक्ट कर सके। अब आप अपने ब्रेस्ट पर दबाव बनाए, निप्पल को नहीं छूना है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल के सेंसेशन उसमें होती है, सेंसेटिव होते हैं, तो ऐसे में रगड़ने से वो लाल भी हो सकते हैं। अगर आप ब्रेस्ट की मालिश करने का कोई क्रीम यूज कर नहीं करना चाहती तो सूखे हाथ से ही मसाज करें। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए, गर्म हाथों का प्रयोग ही आपको करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श फील कर रही है तो थोड़ा मॉइस्चर अपने हाथों को ज़रूर कर लें। और आप नहाने से पहले इसे ज़रूर ट्राई कर सकती हैं, रात को सोने से पहले इसे ट्राई कर सकते हैं। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप इस मसाज को 10-10 मिनट के लिए करें और देखिएगा 3 हफ्तों के अंदर आपके ब्रेस्ट जो है अगर बहुत ज़्यादा लटकी हुई है तो बहुत जल्दी वो शेप में आना शुरू हो जाएगी। अगर आप ब्रेस्ट फील कराती हैं तो ऐसे फीमेल्स के लिए भी मसाज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।